बांदी कोई उपखंड क्षेत्र के दपावन कला में स्थित किसान घाट और कैलाश पाटी का सीताराम मंदिर में बुधवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। हर वर्ष की भांति ध्वज भी शमशान घाट और कैलाश पाटी का सीताराम मंदिर में 100 पौधे लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी के नेतृत्व में गाँव के युवाओं ने मंगलवार को 21 पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। शेष पौधे अगले 2 दिवस में लगाकर लक्ष्य पूरा किया जाएगा। शमशान घाट में छाया के अभाव को देखते हुए गांव के कुछ युवाओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी के नेतृत्व में निजी खर्चे पर अब तक करीब 200 पेड़ लगाए हैं, जिनमें से करीब 100 पेड़ तैयार हुए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी 100 पौधे यहां लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 21 पौधे लगाकर की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम आयोजित किया आज? ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने हमारे गांव के शमशान घाट में और गांव के कैलाश वाटिका मंदिर में 101 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखते हैं। इस बार हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। आज हमने गांव के मंदिर और शमशान घाट में 21 पेड़ लगा के शुरुआत की है और आने वाले कुछ दिनों में ये 101 जो पेड़ों का जो लक्ष्य रखा है हमने वो पूरा करेंगे। आपका नाम? मैं नेहा चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जागृति महिला मंच की ओर से। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी।